So hello guys, salam, namaste, sashrikal, this is Story Wala Sid and you are on Creative Adda Official and today with us we have Shweta Singh aka the Chota Packet. So Shweta, can we have a hi people from you? Hi people! So Shweta, the small mind behind, the small and the beautiful mind behind the Office Ka Pyar. Working with multiple brands, established and as well as emerging YouTube brands, and script writer, screen tayarist, and spoken word artist. मतलब यार कोई फील्ड छोड़ा है तुमने? Stand up अभी try नहीं किया मैंने, but I am thinking. So Shweta, what was your idea behind Office का प्यार? मतलब if you see the opening nuance, both of the characters they are in a cab and the female lady is saying ke bhaiya jaldi chalao and on the other end male lady is saying bhaiya aap aaram se chalao 10 minute lagte hain ye fir se 7 minute karane chahte 3 minute iske sath jo hai wo waste kar rahe so wo bada pyara sa ek choti si observation to wo kahan se aaya yaar wo मैं जिस ऑफिस में मैं काम करती थी तो आई हैव सीन पीपल डेटिंग बट ऑफिस में अगर लोग डेट करते हैं ना तो बड़ा वो हो जाता है कि काम नहीं कर पाते और सब लोग छेड़ रहे हैं उनको तो मोस्टली जब कलीग्स डेट करते हैं तो कलीग्स को नहीं बताते कि हम डेट कर रहे हैं एंड टाइम कम होता है यू नो ऑफिस में यू कैन नॉट से थिंग्स और डू थिंग्स मतलब बट आफ्टर ऑफिस यू कैन ऑब्वियसली बट वो जो टाइम होता है ना कि अच्छा ठीक है मैं ना मतलब साथ साथ निकलेंगे तो भी शक होगा साथ साथ आएंगे तो भी शक होगा कि ये हमेशा साथ साथ ही रहते हैं तो वो वाला कि तू 5 मिनट पहले ऑफिस चला जा मैं 5 मिनट बाद में आती हूँ या फिर तू निकल जा पहले और वो पाप के पीछे वेट करियो मैं वहीं से मिलूंगी फिर वहां से साथ में घर जाते हैं तो बात छोटी छोटी सी चीजें थी एंड वही था कि कुछ कुछ ऑफिस में पॉलिसीज भी हो गई कि कलीग्स कैन नॉट डेट क्योंकि वर्क एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है एंड ऑल तो वही दो तीन चीजें दिमाग में थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद टीवीएफ तो ये एक दो सीन्स मेरी आंखों के सामने आए एंड व्हाई नॉट लेट्स सो यू आर लाइक डू समथिंग ये देख लिया है सो व्हाई नॉट क्यों नहीं ये क्यों ना करा जाए तो मतलब ये हुआ भी नहीं था मतलब स्कूल लाइफ स्कूल रोमांस पे चीजें बनी है टाइमलाइन Liners ने फ्लेम्स बनाया है ट्यूशन रोमांस पे कॉलेज रोमांस पे बहुत सारी चीजें बट ऑफिस रोमांस पे इतनी चीजें नहीं है तो फिर इसलिए भी आइडिया आया था कि लेट्स हैव समथिंग अबाउट ऑफिस रोमांस सो यू वर लाइक कि अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा ऐसी चीज सामने लेके आएगा जो सबके सामने भी है और नहीं भी लोग इसे को अग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं मतलब करते सब है मानता कोई नहीं है कोई बंदी है जिसको तू लाइक करता है यू वोंट एक्सेप्ट इट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट द फर्स्ट थिंग इज के आप हमारे तो ऐसे नुआंसेस होते हैं ना छोटे छोटे लाइक वो लोग अगर पाथ भी क्रॉस करते हैं वो उनकी हल्की सी निगाहें ऐसी आई गेस यू हैव नोटिस्ड हां दैट यस तो जो आंखों वाली लैंग्वेज होती है उसे देखते देखते जाना और हल्की सी ऐसे स्माइल उभर के आती है लेकिन यू डोंट से थैंक्स यू नो टेबल के नीचे हाथ पकड़ लिया फाइल्स के अंदर छोटे छोटे नोट्स रख के दे दिए या अगर तुम कॉफी लेने जा रहे हो तो सामने वाले इंसान के लिए भी एक और कॉफी यू नो देख नहीं पाते हम लोग अपने क्या यार कौन नीचे देखे कौन किसको देख के आंखें झुका रहा है एंड यू ऑन द अदर एंड यू लाइक अच्छा सो दैट इज एन एडेड बेनिफिट फॉर यू सो श्वेता मतलब हाउ डिड यू बिगिन फ्रॉम 2017 यू आर डूइंग स्पोकन वर्ड एंड लैंडिंग इन टीएवीएफ एंड नाउ वर्किंग इन Mumbai as a freelancer for multiple brands. How does it feel? वो first year की श्वेता जो feels good. I love writing. Yeah, जो first year की श्वेता जो Delhi में थी, मतलब you were always like this, filled with beans, जैसे मतलब उछलते कूदते रहना, ऐसे मस्ती करते रहना, सब तरीके से मजा आता रहना. वो श्वेता से लेकर और ये जो TVF के लिए work करा श्वेता, वो श्वेता में क्या difference है? वो journey कैसी है?
बहुत बहुत अमेजिंग थी. और मेरे साथ ना मोस्टली चीजें बहुत अनप्लान्ड हुई हैं, बहुत अनप्लान्ड कि आई हैवंट इमेजिन. 2017 में मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मैं अगले साल मुंबई में बैठी होंगी या मुंबई में काम कर रही होंगी. मतलब पॉसिबल ही नहीं था. ये कहाँ से आ गया? इट्स लाइक कि मैं अगर अभी तेरे को ये बोलूँ कि ओ मे बी नेक्स्ट ईयर मैं न्यूयॉर्क में होंगी, यू नो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता. मेरे को पता है अभी तो, मतलब वो वैसे आउट ऑफ Where it happened. तो क्या हुआ कि 2017 में जब मैंने ओपन माइक में परफॉर्म किया, स्टेज मुझे पसंद है, माइक से मुझे प्यार है, तो वो तो है ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वायरल हो ना हो ये वो वगैरह. आई रियली लाइक जब मैं कुछ बोलती हूँ स्टेज पे चढ़ के और जो सामने वाली ऑडियंस से रिएक्शन आता है ना, आई लव दैट रिएक्शन. मैं उसकी बहुत भूखी हूँ. मतलब वो जैसे मैंने एक लाइन बोली है और उधर से ऐसे स्माइल आई और आई हाय, अलग फीलिंग है. तो इट ऑल स्टार्टेड विद पोएट्री. उसके बाद आई, मतलब जैसे जैसे लिखते जाते वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाता है कि सी मतलब कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज समथिंग वेयर आई बिलोंग. क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट भी ज्वाइन किया था जब, मतलब आफ्टर कॉलेज, लेकिन मैंने 3 हफ्ते में अपनी जॉब छोड़ दी थी. 3 हफ्ते, कैन यू इमेजिन? 3 हफ्ते, नॉट इवन अ मंथ. लोग तो इतना टाइम तो फिट इन होने में ले लेते हैं या ट्रेनिंग में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, पीपल आर लाइक ओके लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स वेट फॉर 6 मंथ्स, लेट्स डू इट. एंड यू वर सो श्योर कि नहीं मुझे ये तो नहीं करना, आई डोंट बिलोंग हियर. Yes, exactly. That was the feeling. And a feeling बहुत suffocating होती है when you don't belong there and still you have to be there. It's ऐसा लगता है कोई गला घोट रहा है. 3 हफ्ते थे, just 3 weeks, लेकिन वो 3 weeks सबसे लंबे 3 weeks थे. And मैंने छोड़ दिया. और पता है जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना, तो मैं मम्मी पापा कैसे हाथ पकड़ती हूँ, एक तरफ मम्मी का हाथ पकड़ा, पापा का हाथ पकड़ा, and like मैंने जॉब छोड़ दी. मुझे बस एक महीने का टाइम दे दो, मैं कुछ ढूंढ लूंगी. What was their reaction? What was their reaction when you left your job? मतलब आपने हाथ तो पकड़ा, but वो कैसा रहा? मतलब वो students होते हैं ना घर वाले, like यार job crisis चल रहा है, तूने job छोड़ दी, लोगों को job मिलती नहीं है, तूने corporate में high paying job छोड़ दी, क्या करेगी, धक्के खाएगी, कुर्ते पहनेगी, कहानियां लिखती फिरेगी, कुछ ऐसा ऐसा सुनने मिला था. थोड़ा कुछ हद तक, but मेरे mom dad थोड़े से mellow है, मतलब इतना लाउडली नहीं सुनाते, वैसे बहुत वो करते रहते हैं कि यू नो कि ठीक है छोड़ दो, जो करना है करो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, जो तुम्हें करना है तुम करो, ये वाली चीज होती है. वो वैसा वाला सीन होता है कि अंशिता यू आर क्वाइट जस्टिफाइंग द फैक्ट दैट के इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं. अरे वो इंजीनियरिंग भी एक्चुअली अनप्लान्ड ही की थी. मैं आई हैव नेवर प्लान्ड कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी. इट जस्ट कि मैंने जब मेडिकल के एग्जाम दिए थे तो मैंने आईआईटी के एग्जाम भी दिए थे एंड इंजीनियरिंग के एग्जाम में अच्छी रैंक आ गई थी. मेडिकल में थोड़ी सी गंदी रैंक आई थी, उसमें मेरे को BDS मिल रहा था, यहाँ पे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, तो I went for NSIT. NSIT बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत अमेजिंग, और मुझे पता था प्लेसमेंट हो ही जाएगी और ठीक है एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब होगी, सही सा पैकेज ये वो एंड ऑल. तो इट वाज आल्सो अनप्लान्ड. सो तो वैसे एंटायर दिस ऑल द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब यू स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस आई डिड. सो वो लिख रहे थे बट व्हाट वाज दैट वेरी मोमेंट कि हाँ ये करना है बिफोर हिटिंग द ओपन माइक्स, और लाइक देयर इज वन मोमेंट ना, देयर इज लाइक यू फ्लिप अ कॉइन कि हाँ हेड्स आया तो इंजीनियरिंग में आगे जाएंगे, टेल्स आया तो स्पोकन वर्ड में, बट यू वर सो श्योर के कॉइन फ्लिप करने की जरूरत भी नहीं पड़ी यार वो. हाँ मतलब क्योंकि When I quit my job, I knew कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं entertainment industry में जाऊंगी, उसके अलावा कहीं भी fit नहीं हो सकती. अगर मैं डूब भी गई तो I'll not feel the way I am. मैं मर जाती वहाँ पे बहुत ही ज्यादा. मतलब मैं नहीं रहती, मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं बहुत ही मतलब वैसी सी हूँ. मतलब वो होते हैं ना कुछ कुछ लोग जो बच्चे भी होते तो उनको अरे इनको हंसा के दिखा, इनको जोक सुनाओ. तो आई वॉज ऑलवेज दैट किड कि मैं लोगों को जोक सुना रही हूँ, मैं लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ. तो आई वाज ऑलवेज दैट किड. तो आई न्यू इट कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज द वन जहाँ पे शायद मैं थोड़ी बहुत फिट हो पाऊँ. एंड समहाउ वही होता है ना, पॉलो कोएलो का एक कोट है बहुत अच्छा सा कि जो
शाहरुख खान ने भी यूज किया है मूवी में कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, ये एक्चुअली पॉलो को लगा है। तो वो वाली चीज है कि एक बार सोच लेते हैं तो चीजें अपने आप लाइक करने लगती है ना लाइन, तो इट ऑल हैपेंड सडनली। उसके बाद जिस दिन क्विट की थी उस दिन मैंने बहुत सारी ये जितनी भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, फिल्टर कॉपी, टीवीएफ एंड डाइस मीडिया, उस टाइम पे जितने भी थे दो साल पहले, मैंने सबको अप्लाई किया था। टीवी वॉज द वन हु रिवर्टेड फर्स्ट एंड उनके साथ फिर स्क्रिप्ट शेयर हुए, इंटरव्यूज हुए एंड मुझे पता था ये तो नहीं होगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा बकचोदी वाला हुआ था। कुछ भी चल रहा था इंटरव्यू में एंड आई एम लाइक मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई एम लाइक फक आई फक दैट इसमें भी नहीं होगा, बट उनका रिवर्ट बैक आया और उन्होंने बताया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड आई एम लाइक ओह शिट कैसे एंड हियर आई एम। लाइक दैट वाज वेरी फर्स्ट मोमेंट ना, यू जस्ट गॉट दैट हाई, ओ यू वर ऑन द क्लाउड नाइन कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी आई गॉट इनटू टीवीएस। And for TVF, huh. you worked for almost an year. You can say approximately an year, right? Approximately an year. And during that process, you growed as a writer, you growed as an artist. Aapki personality mein, you observed a lot of things. And wo kahan pe aapko help kara? So, we talk about your journey, TVF ki journey. Screenplay writing, dialogue writing और TVF ना मतलब TVF is something, मतलब है ना जब हम लोग कॉलेज में होते थे हम TVF के वीडियोस देखते थे और पागल हो जाते थे। उस टाइम पे परमानेंट रूममेट्स आया था, राउडीज आया था, तो आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ TVF और नाउ मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो उससे तो बड़ी चीज मेरे लिए यू नो थी ही नहीं। अब स्क्रीन प्ले लिखना कैसे है और बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीजें होती है, किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये वाली सारी की सारी चीजें मैंने जितनी भी बेसिक नॉलेज है ना वो सब मेरे को टीवी से मिली। सो इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू। ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट योर एसोसिएशन विद नजोटो, यू हैव बीन लाइक यू हैव बीन वन ऑफ देयर आर्टिस्ट हु हैव लाइक ट्रैवलड अ लॉट एंड हु हैज बीन लाइक लव्ड बाय सो मेनी पीपल। Some of your videos have million views, some of your videos like almost a lakh cross kar chuke hain, like 4 lakh cross kar chuke hain. So how does that feel? How does that magic number feel? Because bahut sare artists hain jo kar rahe hain, they are doing bahut time se kar rahe hain but they are not getting those views. How did you wo digest kaise karte, how did you digest these like ekdam se tumhare 3 million views ke aas pass hit kar rahe tumhari first video, so how does that feel? I don't know exactly how does that feels. I feel good about it. I mean, Nojuto is the one. जिसके साथ मैंने पहला ओपन माइक किया था, जिसके थ्रू मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो अभी भी मेरे दोस्त हैं, सारे के सारे पोएट्री सर्किट से हैं। तो उसका सीन वैसा है कि I don't know, पता है Nojuto को भी नहीं पता कि ये वीडियो कैसे चली, मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कैसे चली, बट इट्स जस्ट कि ये वीडियो नवम्बर में रिलीज हो गई थी, एक महीने से पड़ी हुई थी, 300 व्यूज थे एंड आई वाज सो हैप्पी कि माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इट गॉट 300 व्यूज, ये एंड दिसंबर 2017 की बात है, लास्ट वीक में सडनली यू नो वेरी सडनली इट स्टार्टेड क्रॉसिंग व्यूज लाइक 10,000 एक दिन में हो रहे, 35,000 हो गए, 100 के हो गए, एक एक दिन में हो रहे हैं एंड 3 दिन के अंदर इट वॉज लाइक 300K। तो डू यू अंडरस्टैंड 300 views से 300K views within 3 days. Yeah. So it was like, oh shit, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? But I don't know ये कैसे travel की video, but लोगों को पसंद आई, लोगों ने share की और उसके through चीजें बढ़ती गई, तो in the end वही है कि मेरे को लोग अच्छे मिले starting से, बहुत बहुत अच्छे लोग मिले। तो उन videos में ये है कि आपकी वो सादगी है ना, जो वो चंचलपन है और वो एक छोटी सी ना एक शरारत भी है और वो मासूमियत है, वो झलकती है, वो एकदम उभर कर आते हैं उन वीडियोस में और वो चीजें आपकी पोएट्री से काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। स्टिल सो बस वही राइटिंग में, राइटिंग पैटर्न में हल्का सा चेंज आया है, पहले इट वाज मोर ऑफ अ स्लैम थिंग, नाउ Still it is a slam thing, but थोड़ी सी ज़्यादा crafted. वही है ना कि आप ज़्यादा पढ़ने लगते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती हैं और ज़्यादा techniques पता चल जाती हैं. तो you can आप उसको और ज़्यादा सजा सकते हो basically. Yeah, but choice of words, the way you say it,
the very first thing that you do on stage is you just go on stage and do that interactive thing. The carry the smile. You carry $1 million smile on your face and then you just walk up. Oh, thank you. Like, I've seen your videos. I've been following you for a bit. And that is really amazing. And how does it feel to from Delhi, first open mic, to traveling, you know, different parts of India and performing, and people are, you know, listening to you with all the love? How does that feel? It feels so good that people want to meet you. Tum actually main alag alag shaharon mein ja rahi hu. Matlab, see, meko hamesha se ghumna tha. बट मोस्टली मतलब आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और मेरे फैमिली को बिल्कुल भी घूमने शूमने का शौक नहीं है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन वॉज मैं नानी का घर एंड दादी का घर छुट्टियों में मतलब वैसा होता था तो एंड माई होते ना कि ओ छुट्टियों के बाद जब बातें होती कि अरे मैं देहरादून गई थी मैं यहाँ भी घूमने गई थी एंड मेरा ये होता था मैं नानी के घर गई थी तो इट इज लाइक दिस तो मैं स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं घूमी हूँ बट मतलब ये सारी चीजें ना मुझे पोएट्री ने दी है मतलब जितनी भी मैं आज तक घूमी हूँ ना मैं लखनऊ हैदराबाद गई हूँ ग्वालियर गई हूँ और मतलब और भी काफी सारे शहर हैं लेकिन ये सारे के सारे शहर ना मैंने सिर्फ और सिर्फ पोएट्री की वजह से घूमे जितने भी अच्छे लोगों को मैं मिली हूँ ना वो सब पोएट्री ने मुझे दिया है तो आई ओ अ लॉट टू इट मतलब समझ रही हो तुम मैं लिखना छोड़ नहीं सकती It's just the love of the art from performing an open mic in Delhi to performing in IIT Delhi to performing in an auditorium somewhere in some city like Gwalior. Like in a crowd of 600 to 700 people all just gathered to listen to you. And how was that experience? The, in a cafe, जैसे जो open mics होते हैं जो लोग मतलब नहीं पता है what open mic is. Open mics are basically पहले तो सारे cafes में होते. Then धीरे 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 अभी भी कैफेज में होते हैं मतलब अब है कि दिल्ली का सीन काफी ज्यादा पोएट्री स्टोरी टेलिंग एंड स्टैंड अप का काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है उन दिनों में जब इट वाज इन द इनिशियल डेज यू नो परफॉर्मिंग इन कैफे फॉर लाइक 10 पीपल टू परफॉर्मिंग फॉर लाइक 600-700 पीपल जस्ट गैदर्ड स्पेशली बॉट योर टिकट्स हाउ डज दैट फील It feels so good. मतलब बहुत बहुत अच्छी फील आती है यार कि this is something I have never imagined कि ओ ऐसा भी होगा लोग टिकट लेकर आएंगे मुझे देखने के लिए मुझे सुनने के लिए तो वो वाली चीज है एंड मैं बता रही हूँ ना मुझे लोग हमेशा बहुत अच्छे मिले पता नहीं कैसे बट लोगों का प्यार बना रहा है तो I am hoping कि वो बना रहे हैं लोग सच में मुझे बहुत अच्छे मिले मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे जस्ट पोइट्री की वजह से मिले कितने लोग ऐसे हैं जो अब बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन वो किसी टाइम पे मुझे किसी पोइट्री इवेंट पे मिले थे जो मुझे सुनने के लिए आए थे वहाँ पे तो इट्स दैट फीलिंग और कड़ियां जुड़ती जाती है हाँ अभी भी मतलब कल मेरे पास मेरे एक मतलब एक एज अ फैन एक बंदा बहुत पहले मुझे लखनऊ में मिला था किसी इवेंट को देखने के लिए आया था वी शेयर्ड नंबर और अभी बहुत दिनों के बाद उसका कॉल आया और उसने मुझसे ये पूछा वो छोटा है मुझसे तो अभी थर्ड ईयर में होगा कॉलेज में और वो उस टाइम पे आया था मेरा शो देखने के लिए और उसका मैसेज आया मेरे पास मैम आप मुंबई में हो ना मुंबई में तो बहुत कोरोना फैल रहा है आप ठीक हो ना बाहर बाहर मत जाना एंड आई एम लाइक हाँ मैं ठीक हूँ तुम अपना ध्यान रखो तो इट फील्स गुड यू नो कि जो स्ट्रेंजर जो बहुत अच्छे से नहीं जानते जब मतलब फिर भी उनको थोड़ी फिक्र है तुम्हारी कि वो तुमसे पूछ रहे कि क्या आप ठीक हो क्या आप अच्छे हो तो it is a good feeling it is a very good feeling that is really sweet of him and that is really sweet of you to reply but there are people who are not so sweet while you are performing you know unko chulo hoti hai kuch aisa bol de kuch aisa kar de ki ab sare attention hai apni taraf le le so I am talking about hecklers what was your very first experience of heckling hecklers I always loved hecklers क्योंकि hecklers ना हमेशा तुम्हारी skills को improve करते हैं stage पे बने रहने की you know कि वो ही होता है कि जब भी heckling start होती है you have two options either leave the mic and leave the stage or face it और मुझे वो face करना ना बहुत अच्छा लगता है जितने आप बेटर हेकलर होता है उतना ज्यादा मुझे मजा आता है क्योंकि मेरी इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स बेटर होती जाती है तो ग्वालियर में मुझे फर्स्ट टाइम हेकलर्स मिले थे
बट इन द एंड मतलब मेरा ना मैं जाते ही पोएम परफॉर्म नहीं करती, मैं जाते ही थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ, वो मेरी आदत है टू मेक द पीपल कंफर्टेबल, टू मेक मी कंफर्टेबल ऑन द स्टेज. तो एक बॉन्ड बन जाता है कि नाउ एंड नाउ आई नो पीपल आर लिसनिंग टू मी एक्चुअली. नाउ हम दोनों के बीच मतलब ऑडियंस और मेरे बीच वो बॉन्ड बन चुका है. नाउ वी आर एंजॉइंग द थिंग्स, वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको सुन रही हूँ. तो वो वैसा होता है कि तब हेकलर्स बोलते हैं ना, तब मजा आता है कि ओहो मेरा छोड़ो मैं तो बोलती रहती हूँ, पहले आप बोलो आप क्या बोल रहे थे. हाँ जी थोड़ा तेज बोलिए. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस. सो यू हैव बीन इन द परफॉर्मेंस सर्कल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग बिट नाउ, लाइक वी कैन नॉट सो लॉन्ग बट या यू हैव बीन देयर फॉर अ बिट नाउ, लाइक ऑलमोस्ट 3 years यू हैव डिनोटेड टू पोएट्री एंड पोएट्री हैज गिवन यू सो मच. यू हैव ट्रैवल्ड एंड परफॉर्मड. इट हैज गिवन मी सो मच. Yeah, and you have traveled and performed in Lucknow, Kanpur, Gwalior, Agra, Delhi, Hyderabad, Mumbai, Jaipur, and you have performed in Jalandhar as well. So that is something Jalandhar really also. Because Jalandhar has been a place. It's a very beautiful city. It's, you know, people are very warm and welcoming. On the other hand, Jalandhar mein zyadatar comedians aate hain. And how was it for you? Okay, matlab you were here for a spoken word, you know, special. That matlab how was that feeling? अरे आई डोंट नो, जब जलंधर आना था ना मुझे याद है, जलंधर में जो शो था मेरा और बिक्रम बुमरा, यू नो बिक्रम बुमरा, तो मेरा और बिक्रम का शो एक साथ था जलंधर में. एंड वो ना ऐसे था कि 21 तारीख को मुझे मुंबई आना है क्योंकि मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग है टीवीएफ में, तो 20 को मुझे दिल्ली से निकलना था और 19 को मेरा ग्वालियर में परफॉर्मेंस था और 18 को मेरा जलंधर में था. ऐसे था 18 को मैं जलंधर में थी, 18 की रात को जलंधर से निकली, 19 को मैं ग्वालियर पहुंची, रात को वहां पे परफॉर्म किया और उसके बाद रात को वहां से निकली, 20 तारीख को दिल्ली पहुंची और 21 को मैं मुंबई आ गई. तो वो 4 दिन ट्रैवलिंग के निकले थे. और जो जलंधर का ये सीन था कि हर्ष ने सब कुछ अरेंज किया था कि ओके ठीक है हम लोग एक शो कराएंगे. वो बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं जलंधर में परफॉर्म करूं. इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं जलंधर में परफॉर्म करूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानती थी जलंधर से. ऑनलाइन बात हुई थी कि अरे आप आओ कभी, आओ कभी, आओ कभी. एंड आई एम लाइक हां आई वांट टू कम, लेट्स सी मैं कब आ पाती हूं. एंड रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग. आई रिमेम्बर चाशा कैफे पूरा भरा हुआ था, पूरा कैफे भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, जो लोग को बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़े हुए थे, पीछे एकदम ऐसे भीड़ लगी हुई है, आगे हमारे पास थोड़ी सी जगह बची थी परफॉर्म करने की क्योंकि नीचे भी लोग बैठे हुए थे गद्दे लगा के. तो इट वाज लाइक दिस. हमने मतलब मैंने जलंधर थोड़ा छोटा शहर है तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे इतने सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन सारे लोग आ गए थे. एंड सो गुड, जैसे परफॉर्म करके तृप्ति मिलती है ना, तो जलंधर वाज दैट तृप्ति फॉर मी. या दैट वाज लाइक जलंधर में अभी सीन इज ग्रोइंग, सीन फॉर स्पोकन वर्ड इज ग्रोइंग. सो आई वाज सेइंग के जलंधर की, जलंधर में इट्स लाइक वेरी वर्जिन मार्केट, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ, ऐसे हम बोलते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ सर्किट, जलंधर का सर्किट इज वेरी रॉ. And it has a lot of potential to grow. बहुत सारे नए artists आ रहे हैं. And we're talking about your show, and that is your association with Creative Atta. So how was it? How was that feeling to perform for Creative Atta? Creative Atta, अरे it was amazing. And let me tell you one thing, Creative Atta का नाम Creative Atta मैंने suggest किया था. अरे that is really. जब ये बन रहा था तो हर्ष का call आया था मेरे पास कि कुछ नाम वाम सजेस्ट कर. एंड आई सजेस्टेड 2-3 नेम्स. ही लाइक क्रिएटिव अड्डा. सो क्रिएटिव अड्डा से मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, शो से भी पहले. अरे वाह. सो टू ऑल द व्यूअर्स जो लोग ये देख रहे हैं, सो नाउ यू नो ये क्रिएटिव अड्डा का इतना प्यारा नाम कहां से आता है. फ्रॉम नन अदर देन हमारे प्यारे श्वेता सिंह, एके छोटा पैकेट. और यार और आप लोगों ने अगर नहीं देखा श्वेता सिंह का काम तो यार ऑफिस का प्यार देखो जाकर यार, मतलब विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ऑफिस का प्यार देखो यार जाके. इफ आप ऑफिस में काम करते हो और आपका ऑफिस में क्रश है या चक्कर वक्कर है तो यू गाइस विल रिलेट. या सो श्वेता कमिंग फ्रॉम ऑलराइट के चैनल पे पड़े है. या कमिंग अ बिट ऑफ फ्रॉम द टॉपिक, सो हाउ आर यू क्वारंटाइनिंग, मतलब हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग. अरे इट्स गुड, इट्स नाइस.
I'm loving this time. Somehow I don't know, I'm an extrovert, I should not love this time, but I am loving this time somehow. And Shweta, so it is all going good, reading, writing, watching. So what are you binging on right now? I'm not binging anything though. Maine abhi Shameless start kiya tha. Shameless ek series hai. Yeah. It's about six kids जिनके mom नहीं है, जिनके बस dad है, और उनके dad भी बहुत वैसे से हैं, क्या जहाँ जा रहे बच्चे, जो कर रहे बच्चे वो कर रहे. तो बहुत बहुत कमाल की सीरीज है, बहुत chaos है, सारे बच्चों का characters अलग है. It's very nice. मैंने भी बस season one खत्म किया है, but it's very nice. उसके बाद I'm watching movies and all things. So, which is your favorite movie? Like all-time favorites or current favorites? Which is your all-time favorite? There is no favorite. I cannot choose. This question is not. This is not a question. Okay, this is not a question. This question hona hi nahi chahiye. This question does not exist. Favorite movie kuch nahi hoti hai. So we can just alter it a bit. Which is your favorite genre of movies? ये भी कोई वो नहीं है यार, मतलब देख सी, मेरा मूड बहुत लाइट लाइट सा है, क्यूट क्यूट सा है, तो मुझे रोमांटिक कॉमेडी अच्छी लगेगी. मुझे कुछ थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग सा देखना है, तो आई विल प्रेफर थ्रिलर और हॉरर काइंड ऑफ थिंग, मतलब या सस्पेंस काइंड ऑफ थिंग, तो वो वाली चीज है. और अगर मेरा मूड बहुत लो है, तो मैं शायद कुछ ट्रेजिक या मोटिवेशनल देखूंगी. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन mood. So there are some certain I like movies. In the Mood for Love is a nice movie. Mujhe mood se aata hai. So I'm saying there are some certain movies jo andar se na bande ko nudge kar jati, they touch your core, right? And they inspire you in ways that you have not been inspired. They bring out, you know, a whole different mood. So aisi kaun si movie thi? ऐसी कौन सी मूवी थी, तब भी यार एक नहीं होगी. इसी मुझे मूवीज में ना कंप्लीट पैकेजेस मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं लगते. मेरे को मूवीज के कुछ पार्ट अच्छे लगते हैं, जैसे कि किसी किसी मूवी का कोई कोई फ्रेम बहुत अच्छा लग जाता है, कोई कोई मूवी बहुत बेकार है, लेकिन उसका कोई एक सीन बहुत अच्छा है या एक गाना बहुत अच्छा है. तो आई दिस इज व्हाट आई डू. मैं ना जो अच्छे वाले पार्ट जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं वो उठा लेती हूँ पूरी मूवी में से. दैट पार्ट मैंने उठा लिया, तो वो मेरे अंदर रह जाता है. मूवी चाहे मेरे को याद ना रहे, मुझे नहीं याद रहे कि उसके अंदर कौन था, लेकिन मैं जैसे कि मैं कुछ बहुत गंदी गंदी फ्लॉप मूवीज के अच्छी अच्छी चीजें तुझे बता सकती हूँ, तो दिस इज व्हाट आई डू. तो मैं वो हल्की सी एक छोटी सी चीज उठा लेती हूँ. सो लेट्स हैव समथिंग फ्रॉम यू. उठाना मतलब चोरी करना नहीं, बट रह जाते हैं मेरे साथ. या वो थोड़ा सा ऑफ बीट कोई ऐसा, जो आप यू वर सेइंग ना कि कुछ मूवीज जो इतना अच्छा नॉट वेल टू डू, बट उनकी भी अच्छी अच्छी चीजें बता सकते हो. लेट्स हैव फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू. मैं बताती हूँ, एक मूवी आई थी बहुत ही बेकार मूवी है, ठीक है, फ्लॉप मूवी है, बार बार देखो, वेरी वेरी फ्लॉप मूवी, लेकिन उसमें बहुत बहुत खराब मूवी है, लेकिन उसमें ना स्टार्टिंग का एक सीक्वेंस है, जब वो दोनों बच्चे होते हैं, तो उसका जो शूट किया गया है ना, जब वो झूले वूले पे है, दिस इज विच इज वेरी सिनेमैटिक, बहुत अच्छे एंगल्स वगैरह से शूट किया गया है. एंड उसके दो गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. पहला तो वो है दरिया, दरिया मैं नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा. उसके लिरिक्स आए हाय इतने प्यारे है ना, बहुत बहुत प्यारे लिरिक्स है उसके. आई डोंट नो लोग ध्यान से सुनते हैं या नहीं, या सुने हैं किसी ने या नहीं, बट उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं. एंड दूसरा की एक और गाना है, खो गए हम कहाँ, खो गए हम कहाँ, प्रतीक कुहाड़ ने गाया वो गाना. दैट सॉन्ग इज वाओ. ओके सी, देयर वाज, या देयर वाज बैड मूवी विद गुड सॉन्ग्स. There was one Instagram poll ke which song you believe you know belong should have been in a, you know, different movie, or which song was ruined by a movie which it was featured, and sabka tha kho gaye hum kahan deserved a very beautiful movie. It is a very beautiful song. Oh yeah, it is a very beautiful song.
या अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, if I'm not wrong. बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, इतने प्यारे मेटाफर्स यूज किए हैं. I'm really not sure about the lyrics, but yeah, it is a very beautiful song, and man, that man's voice, Prateek Kuhar's voice. So Shweta, we were talking about Prateek Kuhar. That man has a very beautiful voice. So what are the music which are you tripping right now? Which is the music which is on loop right now? अरे मैं कल मन मर्जिया पे ट्रिप कर रही थी यार. मेरे को नहीं पता तुमने सुना है नहीं, मन मर्जिया का हर गाना इतना डोप है. बहुत बहुत लिट म्यूजिक है यार मन मर्जिया का, मतलब और उसमें हर तरह का फ्लेवर है. जैसी तेरी मर्जी इज वेरी स्वीट काइंड ऑफ सॉन्ग. उसके बाद हल्ला ध्यान कितने ध्यान चंद, मतलब वो बहुत लिट है. वो पूरी एल्बम बहुत ज्यादा लिट है. मन मर्जिया मुझे बहुत पसंद है. दिल से रे वाले, दिल से की जो एल्बम है वो बहुत लिट है. उसके बाद ताल एक मूवी आई थी, हाँ उसका म्यूजिक भी बहुत ज्यादा लेट है. उसके बाद दिल्ली सिक्स, अगर मूवी तुमने देखी है, मूवी नहीं भी देखी तो उसका म्यूजिक भी बहुत ठीक है. अभी वो मतलब कल ही किसी ने रुइन किया है, आई हेट दैट मैन. अरे यार, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट. रियल वर्जन है डूड, आई लव मसक्कली. एंड उसमें एक और सॉन्ग है, रहना तू है जैसा तू, जरा वो सॉन्ग कितना प्यारा है. So, haan, this is a, these are my kind of songs. Sathya ka music bhi bahut hai. And 2010s ki baat karte hain, like which was your favorite album from 2010s? To, yaar, mujhe yaad nahi rehta ki kaun sa 2010 hai. Mere ko koi cheez pasand hai to wo evergreen hai. Main uska year kyun yaad rakhungi? The past decade, it's in like music has grown phenomenally. Kuch humare paas, we have like gem of music, gem of songs, aur kuch purane gaane jo humare liye bahut acche tarike se aise ruin kare gaye. So it was a very mixed decade for music. Personally, like Rockstar ke gaane. You talk about the album. Rockstar. Rockstar ki album, and then there were like certain albums which like created a buzz. Tamasha ki album bhi bahut achhi hai yaar. Yeah, that is really great. What are your tips and do's and don'ts for someone who is very new to spoken word and writing? So do's and don'ts. Okay. So depends कि अगर कोई spoken word लिख रहा है तो is he or she writing for just मजा आ रहा है, fun है, इसलिए लिख रहा है और इसी में कुछ करना आगे इसलिए लिख रहा है, ठीक है. मतलब obviously starting के stage पे ये decide नहीं होता. तो अगर किसी को घुसना भी है इस industry में, right, कि okay yeah this is it, तो फिर तो जान लगा दो. there's no backup, रखो ही मत. ये मत रखो कि ओह इसमें नहीं हुआ तो मैं lawyer बन जाऊंगा या फिर ये कर लूंगा. there's no backup. बैकअप जब तक रखोगे तुम इसमें आगे नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है. देयर शुड बी नो बैकअप. मेरा ये वो है, मतलब मेरी ये पॉलिसी है कि बैकअप नहीं होना चाहिए, वरना तुम अपना 100% नहीं देते जब तक सैलरी रहती है कि पीछे बैकअप है. तो डोंट्स पहले बताती हूँ. डोंट्स आर इसलिए मत लिखो क्योंकि तुम्हें वायरल होना है. यू नेवर नो तुम कब हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अगर तुमने कुछ कर दिया है जो लोगों को पसंद आ गया. और लोगों को कुछ भी पसंद आ जाता है आजकल, मतलब तुम नहीं अंदाजा लगा सकते उनके दिमाग का उनको क्या चीज पसंद आएगी. तो ये सोच के मत लिखो कि ये चल रही है तो ये लिखता हूँ और इसलिए मैं वायरल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. नहीं, जस्ट जो तुम्हें लिखने का मन है ना और जो चीज ऐसे आ रही है मन से, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कितनी टेक्निकली सही है, टेक्निकली गलत है, क्या है, तुम्हें सही लग रही है, यू फील इट्स राइट, देन राइट इट. मन से लिख दो. एंड जब परफॉर्म कर रहे हो ना तो मन से ही परफॉर्म करो. मतलब जैसे कि ना कुछ लोग होते हैं जो जब परफॉर्म करते हैं ना वो साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं. अरे I don't know if you have noticed or not, लेकिन जब वो एक्टिंग होती है ना तो वो पता चल जाता है कि वो एक्टिंग है. बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि पता चल जाता है कि ये ना आर्टिफिशियल है, ये रियल नहीं निकल रहा. समझ रहे हो तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही है? टोटली. अरे नहीं यार, ये कैसी सी बातें कर रहा है, ओहो बहुत नकली लग रहा है. हाँ, तो जब, और वो नकली इसीलिए लगता है क्योंकि जो तुमने लिखा है ना उससे तुम खुद कन्विंस नहीं हो. जब तक खुद तुम कन्विंस नहीं हो उस चीज से, तब तक दूसरा वाला
बंदा कैसे कन्विंस होगा? या एग्जैक्टली, तो खुद को इतना कन्विंस कर लो उस चीज के लिए जो तुमने लिखा है, कि जब तुम उसे बोलो तो तुम बाकी लोगों को भी कन्विंस कर सको. तो इफ यू कैन फील इट ओनली देन यू कैन मेक पीपल फील इट, अदरवाइज दे वोंट फील इट. सो योर डोंट्स आर राइट इट व्हेन यू फील इट, अदरवाइज डोंट राइट इट. सो योर डोंट्स आर डोंट फेक इट. या डोंट फेक इट, डोंट फेक इट, डोंट कीप बैकअप्स, और यू नो in millennial language, go all gas, no brakes. Do you want to do it? Yeah, exactly, exactly. So, go with the flow. Your journey as a writer has been quite beautiful, as a spoken artist, as beautiful. A lot of people don't know about this. And unplanned. And unplanned. A lot of people don't know about this, but you are a lyricist as well, and you're song, the song which you wrote just came in. Tell us a bit about Khwab. Khwab, actually what happened is, and I am not the only one lyricist here, there are two more people. So what happened is, mujhe aadat hai, kuch bhi mere dimaag mein thought aate hai, to main story Instagram pe dal deti hu. Ek din mujhe pata hai, matlab photo bahut achhi aayi thi moon ki, maine apne phone se li thi, and mere dimaag mein line aayi ki jo raat raat bhar jaag jaag kar tujhse baatein karti hu, सब सोने वाले कहते हैं मैं पागल वागल लगती हूँ. एंड मैंने ये लाइन डाल दी स्टोरी पे. अगले दिन मेरा एक फ्रेंड है उस्मान, ही लिव्स इन जयपुर, उसका मेरे पास फोन आया एंड ही सेड कि यार मुझे ना लाइंस बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे सॉन्ग बना लूँ. एंड आई एम लाइक क्या नहीं हूँ, मतलब मैंने क्योंकि नहीं सोच के लिखा था ना ये कि इससे लिरिक्स बन सकते हैं इन लाइन से, बट इफ यू कैन ऑब्वियसली ले ले लाइंस, क्या बातें कर रहा है. उसके बाद उस्मान ने फर्स्ट जब वो कट लिखा या फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, उसने लिख के मुझे भेजा एंड इट केम आउट नाइस. फिर हमने थोड़ा सा और काम किया. पहले हम इसको शूट करने वाले थे बट फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया, हम शूट नहीं कर पाए. देन एनिमेटेड वीडियो बनी इसकी, तो इट्स नाइस. इट मतलब जब ये निकल के आया तो वो काफी सही निकल के आया. उसने थोड़ी सी इधर उधर चेंजेस किए, थोड़े से और इधर उधर चेंजेस हुए. इट वाज नाउ इट्स लाइक कि जो रात रात भर जाग जाग कर तुझसे बातें बातें करती हूँ. तो इट केम आउट लाइक दिस, जो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन नहीं किया था कि ये ऐसे निकल के आएगा, बट इट केम आउट नाइस. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो मैं नहीं पता होता कब क्या हो जाता, तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मुझे नहीं पता होता कि कब क्या हो रहा है. फ्रॉम पोएम्स टू स्क्रिप्ट्स टू सॉन्ग, लेट्स होप फॉर मोर. सो श्वेता, कैन वी हैव यू नो आपकी बहुत सारी स्पोकन वर्ड अच्छे रहे, बहुत प्यारे रही है. वन ऑफ देम वाज यू नो Chitti to my future soulmate, that really touched me, because uski ek line thi ki tum kuch us suraj jaise ho jo dhun mein thoda chhipa sa hua hai, but you know it really warms my heart ki ha, that the people, the person that will be your soulmate, it's out there, but abhi wo tumhare samne nahi, but one day you will feel that person's warmth around you. And that mere thought, matlab wo bahut pyara khayal tha. So, Shweta, can we have a few lines of your slam poetry? कब कब आती सर्दी में धूप सुनहरी होना है, और घिघिट सी ये दुनिया है मुझे गिलहरी होना है. अरे वाह, बहुत बहुत प्यारा. तो श्वेता, मतलब थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मतलब बहुत अच्छा रहा यार आपके साथ सवालों का सिलसिला. And so guys, this was Shweta Singh, aka Chota Packet, Office Ka Pyar ki hamari writer, jinhone Office Ka Pyar jinke dimag mein sabse pehle aaya. So matlab Shweta, matlab bahut acha experience raha aapke sath baat karne ka, aur wo jo aapke piche ki journey hai, jo wo same sahib, to wo bahut pyara raha aapke sath. To Shweta, matlab aap hi ki energy mein ek hamara sign off ho jaye. बिल्कुल, यस, हियर वी आर श्वेता एंड साहिब साइनिंग ऑफ क्रिएटिव अड्डा ऑफिशियल. एंड आप क्रिएटिव अड्डा को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड कहां है हम आपके दिलों में है, तो आप प्लीज हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए क्रिएटिव अड्डा को. हम आपके दिलों में है और आपके फोन के यूट्यूब ऐप में है. You can follow, you have to do four things, like, share and subscribe to Creative Adda. Four things jo reh gaye bhai, comment karke batao ki kaisa laga, and
बहुत अच्छा लगा यार श्वेता आपसे बात करके, बहुत मजा आया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. And same, same, yeah, same. It was one of the fun interviews. That was very fun.